जावरी साहब, सबसे पहले हमें जरा ये बताइए कि आपकी एक किताब है पाकिस्तान क्रॉनिकल, तो पाकिस्तान दुनिया की कौन कौन सी कदीम तहजीबों का गवारा रहा है? ये जो मेरी किताब है ये तो खैर 1947 के बाद के वाक़यात का अहाता करती है, लेकिन पाकिस्तान जैसा कि आपको पता है कि मोहनजोदड़ो की जो कदीम तरीन तहजीब थी हमारी दुनिया की, वो हमारी सरजमीन पर वाक़ है। वादी सिंध की तहजीब जिसे हम कहते हैं, फिर उधर हड़प्पा, और फिर ऊपर जाएं तो टैक्सिला की जो तहजीब है, और जो गौतम बुद्ध के मानने वालों के उनके पैरोकारों की बहुत बड़ा एक मरकज़ था, वो भी टैक्सिला भी पाकिस्तान में है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी उस ज़माने में हुआ करती थी, जिसके बारे में कई दफ़ा ऐलान भी हुआ कि वहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी उसी की तसलसल में, लेकिन वो उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। तो ये अच्छा, फिर इधर हमारे बलूचिस्तान जो है हमारा बहुत खूबसूरत सूबा, उसमें भी बहुत सारे मेहरगढ़ का जो आसार हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो शायद मोहनजोदड़ो से भी कदीम आसार हैं। तो इनके इनको डेवलप करने की ज़रूरत है, और इनको ऐसा मतलब बनाया जाना चाहिए कि दुनिया भर के सयाह जो हैं वो इसमें आएँ, यहाँ पर रेस्ट हाउसेज हों, यहाँ पर आने जाने की सहूलियात हों, और रोड का अच्छा एक सिस्टम हो। अब जब हम जाते हैं इन इलाकों में तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जब हम लोग नहीं जाते तो जो गैर मुल्की सयाह होगा वो उसको कैसे कशिश होगी वहाँ जाने की।